आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आपसे पूछा गया, प्रतिरोध तार को डाई से गुजारने पर अनुपस्थित काट के क्षेत्रफल में 1% की कमी हो जाती है, तार के प्रतिरोध में क्या होगा? ठीक है, चल देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक तार है हमारे पास, ठीक है, कोई तार है हमारे पास जो कुछ ऐसा था, ठीक है, तार हो गया जो कुछ ऐसा था। इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, अनुपस्थित काट का क्षेत्रफल ए है। इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं, एल है, क्योंकि इसमें इनमें बदलाव होगा तो मैं इसे ए वन और एल वन कह देता हूँ। ठीक है, लंबाई एल वन और जो क्षेत्रफल है अनुपस्थ काट का वो ए वन। ठीक है, हमने क्या बोला, जो एरिया ऐसा क्या हो गया, 1% कम हो गया, और जो हमारा ए टू है वो ए वन से 1% कम है, मतलब कि 0.99 ए वन के बराबर है। ठीक है, कोई वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दिया, कोई मान हमें नहीं दिया, तो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं जो चाहे हम मान सकते हैं। एक काम करते हैं, हम ए वन को 100 मान लेते हैं। माना ए वन बराबर 100, तो हमारा ए टू कितना हो जाएगा, फिर हमारा ए टू कितना हो गया, 99 यूनिट स्क्वायर जो भी होगा इसका यूनिट स्क्वायर। ठीक है, हमारा ए टू आ गया और हमारा ए वन ये है। हमारे एल के बारे में क्या करेंगे, एल को हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, अब तो आपकी इच्छा है, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हमें पता है कि जो उसका द्रव्यमान है वो तो एजस रहने वाले द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, हमें पता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कि द्रव्यमान तो उतना ही रहना जितना वो पहला था। जो आपका पहले द्रव्यमान होगा वही आपका बाद में द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान क्या होता है, आपका आयतन गुणा घनत्व, है ना। आपका जो घनत्व है वो तो नहीं बदलेगा क्योंकि पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ तो वही है, तो आपका डी वन और डी टू आपस में बराबर होंगे तो ये कट गए, तो आपका जो आयतन है वो बराबर होना चाहिए। आयतन कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल गुणा लंबाई से। ठीक है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई से, तो आपका ए वन कितना था आपका 100 था। ठीक है, ए टू कितना था आपका 99, तो ये आपका एल टू, तो आप यहां से कह सकते हैं कि L2 बटा L1 कितना आ गया, 100 बटा 99, ऐसा कह सकते हैं आप। क्यों, इसको इधर उधर कर दिया ना हमने, तो ये कितना आ गया, L1 नीचे आ गया, 99 इधर आ गया। ठीक है, हमें पता है कि प्रतिरोध क्या होता है, जो प्रतिरोध का सूत्र होता है वो होता है रो L बटा A, यही होता है ना, यही होता है प्रतिरोध का सूत्र। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि जो हमारा R2 बटे R1 होगा वो क्या होगा, L2 बटा A2, A1 बटा L1। रो तो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर, तो सेम रहेगा तो कट जाएगा। यहाँ और देखते हैं, L2 बटा L1 का मान हमने ऊपर से निकाल लिया था, कितना 100 बटा 99। A1 बटा A2 कितना होगा, A1 हमने 100 माना था, A2 कितना था 99, ऐसा आ गया। इस हिसाब से देखते हो 100 बटा 99 की घात 2 R2 बटा R1। ठीक है, ये कितना होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा R2 बराबर 100 बटा 99 का होल स्क्वायर कितना था, 1.0203 गुणा R1। तो जो आपका बाद का प्रतिरोध है वो पहले के प्रतिरोध के मुकाबले कितना हो जाएगा, 1.02 गुना ज्यादा हो जाएगा। आप इसे प्रतिशत में देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, R1 से घटा दीजिए और उससे फिर भाग कर दीजिए, तो जो प्रतिशत वृद्धि आएगी वो कितनी आएगी, जो आपकी प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि या कमी, क्योंकि प्लस है तो वृद्धि दिख रही है, कितनी हुई, इसमें से एक को घटा लीजिए और इसको गुणा कर लीजिए किससे, 100 से, तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया, 2.03%, क्योंकि प्लस है इसलिए हमने इसको वृद्धि बोला है। ठीक है, माइनस होता अगर एक से कम होता यहाँ पर तो हम इसे कमी बोलते, पर एक से ज्यादा है तो इसलिए वृद्धि, और देखिए प्लस में भी आ गया परसेंटेज, तो ये आपकी वृद्धि हुई। तो आपका उत्तर क्या हुआ, आपका उत्तर है जो प्रतिरोध है वो बढ़ गया कितना, 2.03% से। तो कौन सा उत्तर आपका सही है, आपका डी बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।